नम्बी नारायण, वो नाम जो आज अखबारों की सुर्खियां बना हुआ है। हम में से ज्यादातर लोग शायद इनका नाम ना जानते हों, लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने देश के इस वैज्ञानिक के हक में फैसला लिया, वैसे ही तमाम सर्च इंजन में इनके बारे में तेजी से जानने की कोशिश की जाने लगी। आखिर कौन है सफेद बाल, लंबी सफेद दाढ़ी और आंखों पर चश्मा चढ़ाए ये शख्स जिस पर देशद्रोह जैसा संगीन आरोप लगा। आइए जानते हैं रॉकेट साइंटिस्ट नारायण के जासूसी के आरोप में गिरफ्तार होने से बेदाग बाहर निकलने तक की पूरी कहानी। साल 1994, तिरुवनंतपुरम में इसरो के प्रमुख वैज्ञानिक और क्रायोजेनिक प्रोजेक्ट के डायरेक्टर नम्बी नारायण समेत दो वैज्ञानिक डी शशि कुमारन और डेप्यूटी डायरेक्टर के चंद्रशेखर को अरेस्ट किया गया। इन सभी पर पाकिस्तान को इसरो रॉकेट इंजन की खुफिया जानकारी देने के आरोप लगे थे। नम्बी नारायण ने उस वक्त भी इन तमाम आरोपों का खंडन किया। दिसंबर 1994, मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। सीबीआई ने अपनी जांच में इंटेलिजेंस ब्यूरो और केरल पुलिस के आरोप सही नहीं पाए। जनवरी 1995, इसरो के दो वैज्ञानिक और बिजनेसमैन को बेल पर रिहा कर दिया गया। अप्रैल 1996, सीबीआई ने चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में फाइल एक रिपोर्ट में बताया कि मामला फर्जी है और आरोपों के पक्ष में कोई सबूत भी नहीं है। मई 1996, कोर्ट ने सीबीआई की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और इसरो जासूसी केस में गिरफ्तार सभी आरोपियों को रिहा कर दिया। इसके बाद सीपीएम की नई सरकार ने फिर से मामले की जांच के आदेश दे दिए। मई 1998, सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार द्वारा मामले की फिर से जांच के आदेश को खारिज कर दिया। 1999, नारायणन ने मुआवजे के लिए याचिका दाखिल की। 2001 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केरल सरकार को क्षतिपूर्ति का आदेश दिया, लेकिन राज्य सरकार ने इसी आदेश को फिर से चुनौती दे दी। सितंबर 2012, हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को नारायणन को 10 लाख रुपए देने के आदेश दिए। अप्रैल 2017, नारायणन ने केरल हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जिसमें कहा गया था कि पूर्व डीजीपी और पुलिस के दो सेवानिवृत्त अधीक्षकों के जोशुआ और एस विजयन के खिलाफ किसी भी कार्रवाई की जरूरत नहीं है। 14 सितंबर 2018, सुप्रीम कोर्ट ने उत्पीड़न का शिकार हुए इसरो वैज्ञानिक नारायणन को 50 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया। कोर्ट ने इस मामले में एक जुडिशियल जांच का भी आदेश दिया है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला टीवी, नई दिल्ली।